दोस्तों, ये दुनिया बहुत ही अजीब गरीब है। उस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे कहा जाता है टॉक्सिस पॉइजन वेनम जहर। और जहर एक ऐसी चीज़ है जिसे कि अगर आप कंज्यूम कर लें तो आपका पत्ता साफ हो जाता है और आपकी मृत्यु निश्चित रूप से होनी ही होनी होती है। लेकिन क्या अगर आप एक ऐसा जहर को पा जाएँ जिसे कि आप खाते चलें और आपको पता तक ना चले कि आपने जहर को खाया है आपकी मृत्यु होने तक। क्योंकि ये जहर एक ऐसा जहर है जिसे कि ना ही तो कोई आपका टेस्ट मिलता है और ना ही तो कोई इसका स्मेल होता है। ये जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जहर की सिर्फ और सिर्फ 4 किलो मात्रा इस पूरी दुनिया का गेम एंड कर सकती है। इतना ज्यादा खतरनाक जहर जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा जहर है और इसका एंटीडोट के बारे में जान के आप दंग रह जाएंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। केवल अपनी एक चुटकी भर की मात्रा में इस पूरी दुनिया का गेम एंड कर देने की ताकत रखने वाले जहर का नाम है बॉटिलिनियम टॉक्सिन्स। और केवल इसका 0.3 माइक्रोग्राम वैल्यू ही हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख सकता है और इसका 4 किलोग्राम वैल्यू इस पूरी दुनिया का नाम और निशान मिटा के रख सकता है। आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि इसकी ताकत हमारी सोच से कई गुना ज़्यादा है और हम इसे सोच भी नहीं सकते कि इसकी ताकत कितनी ज़्यादा होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि वैज्ञानिक इसे लैब में बनाते होंगे? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी सोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये जहर खुद को ही ब्लॉटेड फूड कैंस में होममेड सॉसेजेस में खुद ब खुद रिप्रोड्यूस कर लेता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जहर इतना खतरनाक होने के बाद भी मेडिकल थेरेपीज में यूज़ किया जाता है ताकि हमारे चेहरे के रिंकल्स को कम किया जा सके। जी हाँ, बोटॉक्स ट्रीटमेंट में लगाने वाले इंजेक्शन में जो बॉटिलिनियम टॉक्सिन की मात्रा मौजूद होती है। हालांकि इस इंजेक्शन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी 1989 से लेकर 2003 में बोटॉक्स इंजेक्शन की वजह से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। तो शुक्र मनाइए कि हमारा सौभाग्य अच्छा है जो कि जहर की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है। दरअसल दोस्तों, साइंटिस्ट इससे ज़्यादा तो एस्पिरिन को प्रोड्यूस करते हैं और इसी वजह से, इस जहर की वजह से हमारे ह्यूमन एक्सटिंक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, ये तो था एक ऐसा खतरनाक जहर जो अपनी चुटकी भर की मात्रा में इस दुनिया का डंगा बजा सकता है। लेकिन एक खतरनाक जहर ऐसा भी है जो कि है तो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, लेकिन इस जहर की जान आएगा एक चीनी का टुकड़ा। जी हाँ दोस्तों, एक चीनी का टुकड़ा आपकी एक ऐसे जहर से जान बचा सकता है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो आइए जानते हैं ये जहर का नाम क्या है। साइनेट, जो कि 1 कार्बन आइटम 1 नाइट्रोजन आइटम से ट्रिपल बॉन्डिंग में जुड़ा होता है। हाइड्रोसाइनेट एसिड, जो हमारे एप्पल यानी कि सेब के बीच में मौजूद होता है और ये एक ऐसा सब्सटेंस हमारे खून में जाते ही रिलीज करने लगता है जो कि हमारे खून में साइनेट को रिलीज कर देता है, जो कि हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है और जिससे हमारी जान चली जाती है। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि इसमें एक ट्विस्ट है, यानी कि अगर आप एप्पल की सीड खा लें तो आपका कुछ नहीं जाता जब तक आप 2 से 3 सीड खाते हैं। लेकिन अगर आपने 2 kg एप्पल सीड खा लिए तो समझ लीजिए कि आपका गेम एंड होने वाला है और आपका पत्ता साफ हो गया है दुनिया से। मगर खुशी की बात यह है कि भला 2 kg सीड कौन खाएगा? और वैसे भी साइंटिफिकली इतना ज़्यादा सीड एक बार में खाना पॉसिबल नहीं है। अगर दोस्तों, साइनेट कोई अकेला एसिड नहीं है बल्कि ये पूरी गैंग में आता है और इसमें एक गैंग मेंबर का नाम है पोटेंशियल साइनेट, जिसका मात्र 0.12 ग्राम मात्रा हमें मौत के घाट उतारने में सक्षम है। अब आता है हमारे इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि हमारे पोटेंशियल साइनेट के बारे में। और मैं पोटेंशियल साइनेट की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इसकी ना ही तो कोई महक होती है और ना ही तो कोई स्वाद होता है। अगर आप इसे जितना मन चाहे कंज्यूम भी कर लें तो आपकी मौत होने तक तो आपको इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जाते ही बहुत जल्दी रिएक्शन शुरू कर देता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाते ही बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और इंसान तड़प तड़प के अपनी जान त्याग देता है। रशिया के एक बहुत बड़े संत ग्रिगोरी रस्पुतिन को इसी से मारने की तैयारी की गई थी। उनका प्लान पूरा सक्सेसफुल था जब तक उनके खाने में इसे मिलाया गया और उन्होंने उसे खा तक लिया। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मौत नहीं हुई, इतना खतरनाक जहर होने के बाद भी, क्योंकि उनके
खाने में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अधिक थी, और ग्लूकोज जो कि पोटेशियम साइनाइड के लिए एक एंटीडोट का काम करता है, तो उन्होंने उसका पूरा पूरा एंटीडोट ही निकाल लिया। और अगर आप भी चाहते हैं कि पोटेशियम साइनाइड आपने खा ली और आपकी इससे मृत्यु ना हो, आप इससे बचना चाहते हैं, तो आप निश्चित होकर एक शुगर क्यूब का सहारा ले सकते हैं और आपकी जान पोटेशियम साइनाइड से मरने से बच सकती है। तो अगर आपको वीडियो मज़ेदार लगी हो, हल्का फुल्का सही मज़ा आया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए ऑल पे, ताकि हमारी आप सबसे पहले वीडियोस देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।